एज अ फैकल्टी या एज अ यूट्यूबर, अब आपने फाइनलाइज किया कि आपको एक स्टूडियो बनाना है। देखिए, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में कई स्टूडियोज को बनते देखा है और अब वो स्थिति आ चुकी है कि जहाँ पर मैं खुद स्टूडियो डिज़ाइन करने लगा हूँ। जब आप स्टूडियो डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। देखिए, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें स्टूडियो डिज़ाइन करना है, तो उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है और वहाँ भी आपको 100% सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो थिएटर डिज़ाइनिंग करना, एकॉस्टिक का वर्क करना, साउंड प्रूफिंग करना, इसमें बिलीव करते हैं। पर एज अ एजुकेटर, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे एक नॉमिनल बजट में, देखिए नॉमिनल बजट में समझिएगा आप, ये ना तो बहुत हाई है ना तो बहुत कम है। बहुत कम के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं कि जहाँ पर आप बेसिकली अपने रूम से ही पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करके बेस्ट क्वालिटी का वीडियो जनरेट करना है, जहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप में मैंने हर एक चीज़ बताई है, कैसे मैंने सिंपल एक कॉमन रूम जहाँ पर बहुत सारा इको था, बहुत सारी नॉइस थी, ये सारी चीज़ों को रिड्यूस करते हुए एक सिंपल स्टूडियो रेडी किया। और ये जो आप देख रहे हो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसी स्टूडियो में शूट किया है, जिसको मैं आपको बनते स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम लोग इस रूम को स्टूडियो में चेंज कर रहे हैं। पहले ही गेस्ट हाउस हुआ करता था, तो मैं आपको पहले रूम पूरा दिखा देता हूँ कि ये बहुत छोटा रूम है, कॉम्पैक्ट रूम है, आपके पास भी ऐसे रूम की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये जो सेक्शन था हमारा, यहाँ पर पहले यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन लगी हुई थी, तो ये डिज़ाइन को हमने रिमूव करना था, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे फ्लैट पैनल लगाने वाले, अब फ्लैट पैनल यहाँ पर लगाएंगे तो हमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा फिक्स चाहिए, मतलब पूरा क्लीन चाहिए, क्योंकि पैनल के पीछे बैकग्राउंड का कलर आप वाइट रखेंगे तो हमेशा पैनल और बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता है। तो ये जो हमने किया था, तो हम इसलिए किया था कि इसलिए हमने ये पूरा पार्ट हटा दिया है, सेम ये पार्ट भी हम हटाएंगे। क्योंकि देखिए, अब इस रूम में विंडो है, या हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि या तो आप प्लाई से विंडो को पैक करा दीजिए, या फिर आप उसको पूरा सीमेंट से पैक करा दीजिए। हमको यहाँ पर बिल्कुल सीमेंट से पैक करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर जो है वो ट्रैफिक है, तो आप कितना भी उसको पैक करेंगे साउंड बाहर आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि इसको हम पूरा पैक कर लेते हैं। इसी रूम के अंदर वॉशरूम अटैच था, तो हमने इसे वॉशरूम में हमें कुछ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे दो मेजर चेंजेस करे, बैकग्राउंड जिस पे हम पैनल लगाने वाले हैं वो पूरा क्लीन है, और दूसरा जो हमारा ये विंडो है इसको हमने पूरा सीमेंट से पैक कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा अलमेरा है, हम उसे रहने देंगे। इसी तरीके से अगर आप भी किसी रूम में स्टूडियो प्लान कर रहे हैं, तो आपको दो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और सेकेंडली जो आप विंडो आप दिखाओगे वो विंडो को आप इस तरीके से पैक करना, ये डिपेंड करेगा आउटर लोकेशन के हिसाब से। तो एक ये लोकेशन है जिसको हम स्टूडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम इसमें लाइट लगाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाना कि इस सेक्शन से हम एक पाइप डालेंगे और उस सेक्शन तक हम पाइप डालेंगे, क्योंकि यहां पर हमको लाइट लगाना पड़ेगी, तो हम ऊपर से लाइट देंगे जो बोर्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो इस बार हम सिस्का के एलईडी पैनल्स को यूज करने वाले हैं, तो वो पैनल्स हमको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसको हम ऐसे हैंग करेंगे। तो ये पूरा जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि हम ये पूरा जो स्टूडियो रेडी कर रहे हैं वो बेसिकली होममेड स्टूडियो है, कि जिसमें आप इसको देखने के बाद आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप किसी रूम में कैसे अपने स्टूडियो को कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा स्टूडियो 2 है वो हम इस ओपन एरिया को कवर करके बनाएंगे। तो पहला यहाँ पर भी वही क्लॉज है, थोड़ा रोहित आगे आइएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विंडो सेक्शन है। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं या तो विंडो सेक्शन को प्लाई से कवर करूँ, पर अगेन क्योंकि सीमेंट का काम हम करवा ही रहे तो हम लोग इसको भी पूरा पैक कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमें गेट है, तो इस गेट को भी हम पूरा पैक करेंगे। सेकेंडली यहाँ पर हम सीमेंट का एक सेक्शन बना के यहाँ पे गेट बनाएंगे। हम कोशिश यही करते हैं जब भी आप स्टूडियो प्लान करें, सिंपल एक गेट को हम साउंड प्रूफिंग करेंगे, बाकी पूरी जगह को हम लोग विंडो या फिर एक्स्ट्रा गेट को रिमूव करेंगे। अब इस रूम में देखिए, अब अगर आपका रूम इतना बड़ा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से लेके हम यहाँ तक तो पैनल लगाएंगे, उसके बाद में साइड में पोडियम लगा देंगे, तो जब ये व्यू आएगा जूम इन और जूम आउट के साथ आता है तो बहुत अच्छा आता है। कोशिश करिएगा, हमने जो फर्स्ट स्टूडियो आपको दिखाया है उसकी साइज थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, तो पर हमको पोडियम लगाने का ऑप्शन नहीं है, पर ये रूम की साइज अच्छी है तो हमको यहाँ पे पोडियम लगाने का ऑप्शन है। अब मैं आपको इस पूरी जर्नी को, इस नॉर्मल रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट करने की जर्नी पूरी आपको मैं दिखाते चलूंगा, आप इसे देखिएगा और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताते चलिएगा। चलिए,
इंडिया का फाइनेस्ट ऐप और वेबसाइट अब होगी आपके बजट में। अपने बिजनेस को पहुंचाएं नई ऊंचाई पर, अभी संपर्क करें एजिस्कॉर्ट से। जैसे कि हमने पहले आपको बता चुका था मैं कि यहाँ पर हमने विंडो को पैक करवाया है, इस सेक्शन पे आप थोड़ा टर्न करिए, ये सेक्शन को भी हमने एक पूरा दीवार बना लिया है, यहाँ पर हमने गेट बनाया है, गेट को थोड़ा फोकस करते देखिए, ये गेट साउंड प्रूफ होता है और डबल गेट बनाया हमने, एक गेट ये है और दूसरा जो गेट हमारा ये है, और दोनों आप किसी भी कारपेंटर को इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसा होगा, और ये पूरा हमारा हो गया साउंड प्रूफ गेट, यहाँ पर रबर लग जाता है तो ये गेट पूरा साउंड प्रूफ हो जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो है हमारे गत्ते टाइप का एक मटेरियल होता है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो ये मटेरियल को हमने यूज़ किया है साउंड प्रूफ, एज अ साउंड प्रूफ हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद में इस टाइप का हमको एक सिंपल सा कारपेट है, इसको ना भी लगाया आप, पर मैं लगाना चाहता था, ये ऐसा वाला कारपेट है, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा कुछ महंगा नहीं होता, इस कारपेट को हमने यूज़ किया है। हमने बैंक्यू का पैनल हमारा आ चुका है, हमने ऑर्डर किया था बैंक्यू का पैनल, क्योंकि मैं अलग अलग कंपनी के पैनल इसलिए बुलवाता रहता हूँ ताकि मुझे सब प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे कि किस कंपनी का पैनल बेटर है, मैं आपको अच्छा पैनल सजेस्ट कर पाऊँ, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने प्योर व्हाइट रखा है। देखिए जब आप वीडियो शूट करते हैं 75 इंच के पैनल में, मैं आपको जब पैनल लग जाएगा तब भी इसका मैं पूरा बताऊंगा आपको, तो पैनल को हम इस तरीके से लगा लेंगे, पैनल को लगाने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा पोडियम की जगह छोड़ेंगे। अब इसका जो बैकग्राउंड है ये और ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड हमेशा, क्योंकि ग्रे कलर के पैनल पे व्हाइट बड़ा उठ के आता है। सपोज अगर हम रेड के पीछे इसको लगा लेते तो वो कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बिल्कुल मैच नहीं करता और बैकग्राउंड वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर हाँ डेफिनेटली हमें ये समझना चाहिए। देखिए हमने ना यहाँ पर ये सिस्का के पैनल ऑर्डर कर दिए है, अब ये जो सिस्का के पैनल है हम लोग इसको यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, आज हमारा पैनल लग जाएगा तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मैं आपको दूसरा स्टूडियो जो हम रेडी करने वाले थे मैं उसके पास आपके लेके चलता हूँ। देखिए ये हमारा सेकंड स्टूडियो था जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पर एक ही गेट है तो हम यहाँ पर एक और गेट लगाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी हो तो एक गेट से भी काम चलाया जा सकता है। ये एक्चुअल में रूम था, हम रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे जाइए, हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रखा है ताकि वॉइस जो है इको क्रिएट ना हो और आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल शार्प हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी हमारा फर्नीचर बना हुआ है तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको लगाया हुआ है। अगेन फ्रंट में ये यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है कि अब जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई है और ये सारी चीज़ें हैं इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको पूरा प्योर व्हाइट करवा लिया है, सेम यहाँ पर हमारा पैनल लग जाएगा, यहाँ पर हमारा पोडियम लग जाएगा और इसी तरीके से हमारा प्रॉपर स्टूडियो रेडी हो जाएगा। और इसी में अगेन हम यहाँ पर क्या करने वाले, लाइटिंग का सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं लाइट कैसे यूज़ करने वाला हूँ, तो आज या कल में हमारी लाइट लग जाएगी, उसके बाद मैं आपको लाइट का भी बता दूंगा। देखिए अब हमने यहाँ पर एक कारपेट लगा लिया है, ये कारपेट हम लगा चुके हैं, और डोर को तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, डोर पूरा साउंड प्रूफ डोर बनाया हुआ है, इस पे अभी रबर लगेगा और वो सब चीजें और होगी, बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आर यू फेसिंग प्रॉब्लम इन सेटअप फॉर ऑनलाइन क्लासेस? पाएं अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाया ऑन कॉल एंड वीडियो कॉल्स मिस्टर आकाश सावकारी एंड एक्सपर्ट टीम के साथ। जो लाइट का सेटअप हमने कैसा रखा हुआ है, ये एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल से हमने कुछ डिस्टेंस दूर ऊपर लाइट लगाई है, क्योंकि लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन, आप जरूर थोड़ा इस साइड आइए, देखिएगा कि लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, और ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन देख रहे हो ये हमारे कैमरे की फ्रंट लाइट है, पर इसके अलावा अगर ऊपर की लाइट बंद करेंगे तो रोहित देखिए अब यहाँ पर कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी लाइट है उस लाइट को हमने ऐसे ऊपर डायरेक्ट ना लगाते हुए हल्का सा रोटेट करके लगाया ताकि स्पीकर पर पूरी प्रॉपर लाइट आए। आप लाइट चालू कर लीजिए, तो
तो ये तो हमारा बिल्कुल, हमने जो लाइट का सेटअप, इसके बाद में हमने देखिए यहाँ पर, अब आप बैकग्राउंड देखिएगा, पूरे बैकग्राउंड को वाइट करने के बाद में ये बोर्ड बड़ा उठकर आता है। अब यहाँ पर आप देखिए बैंक्यू को हमने पैनल लगाया हुआ है, तो मैं अलग अलग कंपनी को ट्राई करता रहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको व्यूसोनिक रिकमेंड किया था, यहाँ पर हमने बैंक्यू का पैनल लगाया हुआ है। अगर आपको बैंक्यू के पैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे सकते हैं और हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा स्टूडियो का सेटअप में हमने बहुत नॉमिनल कॉस्ट में किया है, और नॉमिनल कॉस्ट के अलावा भी बताया आपको मैं कि यहाँ पर हमने जो भी सेटअप लगाया है वो बहुत रॉ और खुद से ही अरेंजमेंट करा है। देखिए अगर ऐसा स्टूडियो आप बनाने जाओगे तो आपको काफ़ी पैसा देना होता है, तो आप अगर चाहे तो हमारी कंसल्टिंग ले सकते हैं। हमारी कंसल्टिंग का चार्ज हम कुछ एक बेसिक अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे, और आपको पूरा कंसल्ट करते हैं सही स्टूडियो सेटअप के लिए। देखिए अभी एक फ्लोर पर आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल टाइल्स लगी हुई है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर इको क्रिएट हो रहा है तो मैं ऐसा ही कारपेट नीचे लगवाऊंगा, तो ये भी कुछ किस साइज का होता है, कौन सा कपड़ा यूज होता है, हम वो कर लेंगे। अब उसके बाद भी अगर इस रूम में मुझे हल्का सा फील हो रहा है कि इको है, इस इको को दूर करने के लिए हम वो भी काम करेंगे, तो एक दो दिन में मैं इसको शायद कारपेट भी लगा दूंगा। तो ये हमने बेसिक आपको पूरी जर्नी में यही बताया है कि कैसे हम एक सिंपल रूम को, सिंपल रूम को विंडो कवर करके फर्नीचर का कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हमने एक कार्डबोर्ड का बैकग्राउंड इस पर लगाया है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप, ये पूरा हमने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है पूरा साउंड प्रूफ किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो पूरा रेडी किया है स्टूडियो। अब आपका स्टूडियो बिल्कुल ट्राइपॉड लगाना है, आपका LED पैनल लग गया है, इसके साथ में आप बेस्ट से बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए आप चाहे तो मुझे यहाँ पर क्रोमा शूट नहीं करना है, मेरे पास में ऑलरेडी क्रोमा का एक प्लेस है, तो किसी एक वॉल पे, जैसे ये वॉल है, इस वॉल को पूरा आप ग्रीन कलर के डार्क क्रोमा में, इसी कारपेट के लिए ग्रीन कलर का डार्क क्रोमा को लेके आप बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने दिखाई और आपको रियलिस्टिक वे में दिखाया कि कोई भी स्टूडियो रेडी करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप बिल्कुल नॉमिनल चेंजेस करके, आप खुद से लोगों को गैदर करके अच्छा एक स्टूडियो बना सकते हैं। अगर आप यही स्टूडियो किसी प्रोफेशनल से बनवाओगे तो वो आपके लिए आपको लाखों रुपये चार्ज करेगा। मतलब लिटरली हमने एक इसके पास वाला जो स्टूडियो बनाया था हमने, उसमें हमने कम से कम 10 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया, फॉल सीलिंग करवाई, हमने तो फॉल सीलिंग भी नहीं करवाई, ऊपर आप दिखाइए हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइक बोया का माइक ही नॉइज़ को पूरा रिड्यूस कर देगा। तो ये जो पूरा बेसिक सेटअप था हमारा, जिसमें मैंने आपको अभी भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, जैसे कि हम फ्लोर हमको चेंज करना है, अभी अगर हमको कुछ इको ज़्यादा आएगा तो हम यहाँ पे एक सोफे की सीट लगा देंगे, यहाँ पर हम एक सेटअप लगाएंगे। दूसरी और चीज़, हम यहाँ पे एक AC भी लगाने वाले हैं, यहीं पर AC का एक कनेक्शन आएगा, ताकि क्योंकि ये रूम में लाइटिंग का जितना इन्वॉल्वमेंट रहता है उतना ये गर्म होता है, तो अभी गर्मी ठंड का टाइम है, नॉर्मल है तो ये अच्छा है, मगर जब ब्लेजर पहन के या शर्ट पहन के हम लोग शूट करते हैं, घंटों घंटों शूट करते हैं, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो पंखा मैं पंखा नहीं प्रेफर करता, क्योंकि पंखा आवाज़ करता है, हालांकि पंखा भी आप लगा सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक छोटा सा साइलेंट AC ले लो, कोई भी AC ले लो, साइलेंट AC की भी जरूरत नहीं, साइलेंट AC तो कॉस्टली होते, कोई नॉर्मल AC भी आप 1 टन का AC ले लोगे तो इतने बड़े रूम के लिए सफिशियंट होता है। तो ये था हमारा पूरा सेटअप। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं आप लोगों के, कई बार आप कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व करूँ, मगर मैं ऑन कॉल आपको इतना सपोर्ट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए भी इतनी समय की इतनी कमी है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैंने मेरी टीम को एक्सपांड किया है आप जैसे लोगों के लिए ही, कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारी कंसल्टिंग फीस है, आप उसे पे करिए, पे करने के बाद में आप उस पूरे चीज़ों का हमारे से कम्युनिकेट करते हुए आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि बैंक लास्ट पैनल में मैंने रेट नहीं बताए थे पैनल्स के, जैसे मैंने अभी बैंक्यू का 75 इंच का पैनल लिया है। अब देखिए मुझे तो ये पैनल 1,80,000 से थोड़ा कम में मिला है, फ्रेंकली थोड़ा कम में मिला है, मतलब 2-3 हज़ार का डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा, पर ये इसी रेट में मिलता है। हालांकि डिपेंड करता है डीलर की सर्विसेज पे, अगर आप चाहते हैं कि पैनल आपको मैं पैनल मेरे डीलर से दिलवा दूँ तो आपको वो 1,75,000 से लेके 1,80,000 के बीच में आपको पैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको फिटिंग मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए रूम का जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, जिस तरीके से, जिस लॉजिक से गेट बने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर। अगर आप खुद से करना चाहें तो आप खुद से करिए, अगर आप मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो आप मेरा इन्वॉल्वमेंट भी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहे होंगे, पूरे थोड़ा टाइम हमने स्क्रीन पे नंबर इसीलिए चलाया है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, हम डायरेक्टली हमसे हेल्प लें। सो अब आप सबसे पहले देखिए हमने फ्लोर में भी कारपेट लगा दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर AC लगा लिया है,
देखिए मैंने ऐसे यहाँ पर इस रीज़न से लगाया है कि फैकल्टी यहाँ पर, क्योंकि ये कमरा काफ़ी गर्म है तो मैंने डायरेक्ट लगाया है, पर आप कोशिश करिएगा इस एसी को यहाँ नहीं आपकी फ्रंट वॉल पे लगाएं अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है तो। अब जैसे यहाँ पर हमें लाइव जाना होगा तो लाइव जाने के लिए मैंने सिस्टम लगा लिया है, यहाँ पर टेबल लगा लिया है, यहाँ पर चेयर यूज़ करी है कि हमारे ऑपरेटर्स यहीं पर बैठ कर इसको ऑपरेट करें, ट्राइपॉड यहाँ पर लगाना है। ये रहा हमारा बेसिक सेटअप पूरा, लाइटिंग का सेटअप मैं आपको सारा बता चुका था। तो ऐसा हमारा ये स्टूडियो है जो बिल्कुल बेसिक से बना है। यहाँ पर हमने कुछ बोर्ड्स को, जैसे इंटरनेट केबल भी यहाँ पे डालना होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखें, तो पहले ही इंटरनेट केबल के लिए जगह बना के रख लीजिए क्योंकि इंटरनेट केबल भी इम्पॉर्टेंट है, हम लाइव भी जाने वाले हैं। अब एक चीज़ जो इस स्टूडियो में मिसिंग है वो मैं शायद आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ आप रोहित थोड़ा सा रहिए। देखिए यहाँ पर हमको जहाँ पे ये फ़ैन है, देखिए ये फ़ैन का जो स्लॉट है इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ पर एलईडी लगाएंगे या फिर कोई एक स्क्रीन लगाएंगे ताकि जब भी हम लाइव जाए तो हम यहाँ ही कहीं कमेंट पढ़ पाए, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से हमारा सिस्टम जो है यहाँ से एचडीएमआई केबल कनेक्ट होगी, इसमें से सीपीयू से एचडीएमआई केबल कनेक्ट होगी और वो लगेगी सीधे हमारे एलसीडी पैनल में जहाँ से फैकल्टी डायरेक्टली लाइव बात कर पाएगी। या फैकल्टी को इधर या फिर इधर नहीं देखना होगा। और देखिए एक और चीज़ देखिएगा, हमने जो इस गैप रखा है इस एलईडी के बीच में, यहाँ पर एक बड़ा गैप रखा है ताकि हम यहाँ पर ऐसा एक पोडियम लगाने वाले हैं, पोडियम हमारा बनने गया है, अभी पोडियम लगाएंगे ताकि हम इजीली एक फ्रेम यहाँ पर ये भी मेंटेन कर रखें। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा स्टूडियो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके स्टूडियो बनाने के लिए कंसल्ट करूँ तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे और डिटेल में एक बेस्ट स्टूडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।